हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट में। दोस्तों, जिस प्रकार से एक लंबे समय से यहाँ पर प्रतिभागी एलडीसी भर्ती 2013 पंचायती राज विभाग की जो भर्ती थी उसमें अपडेट का इंतज़ार कर रहे थे और बार बार यहाँ पर कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर, इस संदर्भ में कोई अपडेट हो तो हमें अवगत कराइए। दोस्तों, आज इस संदर्भ में जो अपडेट आई है, ले चलते हैं सीधा आपको अपडेट की ओर। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगामी हर भर्ती से जुड़ी जो लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले आपको मिलती रहे, इसके लिए जो इसी के पास में बेल आइकन है, जो घंटा का निशान है, इसे ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आप आगामी पंचायती राज भर्ती एलडीसी 2013 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन बार में प्राप्त कर पाएँ और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर सकें। दोस्तों, आगामी बताई जाने वाली अपडेट आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे कि इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जा सके और सरकार तक एवं मीडिया तक इस मुद्दे को पहुँचाया जा सके। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पूरी विस्तृत न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है। ले चलते हैं आपको पूरी इस विस्तृत न्यूज़ की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इसको जूम कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हाँ तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भास्कर एक्सक्लूसिव के माध्यम से प्रिंट मीडिया ने आज आप सभी प्रतिभागियों की आवाज़ को उठाया है। ले चलते हैं सीधा न्यूज़ की ओर। 9486 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली, इनमें से 1600 ने कोर्ट से ली। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं। कांग्रेस सरकार ने 2013 में एलडीसी के 19,515 पदों पर भर्ती निकाली, 10,029 पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं। दोस्तों, आप सभी की आवाज़ को यहाँ पर हेडिंग के माध्यम से ही, जो हेडलाइन के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है। आगे चल लेते हैं दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ की ओर। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सीकर से न्यूज़ प्रकाशित हुई है। बात कर लेते हैं न्यूज़ की यहाँ पर। पंचायती राज विभाग में साल 2013 में हुई एलडीसी भर्ती में 10,029 पदों पर 7 साल बाद भी नियुक्तियां नहीं की गई हैं। यह भर्ती कांग्रेस सरकार के पिछले कार्यकाल में कराई गई थी। 19,515 में से अभी तक आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, महज 9,486 पदों पर नियुक्तियाँ दी हैं। हैरानी यह है कि इनमें से 1600 नियुक्तियाँ तो कोर्ट से लड़ाई लड़कर ली हैं, 7 साल बाद भी नियुक्तियाँ नहीं होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भर्ती में किसी तरह की गड़बड़ की गई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप सभी प्रतिभागियों की आवाज़ को मुख्य रूप से बल प्रदान किया गया है। आगे चल लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गहलोत सरकार ने पिछले कार्यकाल में साल 2012 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 कनिष्ठ लिपिक लगाने के लिए 19,515 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। साल 2013 में भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, इसमें नरेगा, जल ग्रहण, सर्वशिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत मिशन में कार्यरत संविदा एवं प्लेसमेंट एजेंसियों का अनुभव आधारित बोनस अंक देने का फैसला लिया गया। अभ्यर्थियों को सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के प्राप्तांक का 70% वेटेज दिए जाने और अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष बोनस अंक अधिकतम 30 अंक देने और RSCIT की पात्रता का प्रावधान किया गया। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं खबर की ओर। पूरी विस्तृत एनालिसिस के साथ आपको यहां पर खबर बताई जा रही है। आगे देख सकते हैं दोस्तों यहां पर, सरकार ने अनुभव के आधार पर 1 वर्ष के लिए 10, 2 वर्ष के लिए 20 एवं 3 या अधिक वर्ष के लिए 30 बोनस अंक देने का निर्णय लिया। 2013 में कनिष्ठ लिपिक पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। भर्ती में चयन के बाद साल 2013 में ही 7,755 अभ्यर्थियों के कार्य ग्रहण कर लिया था। इस बीच हाई कोर्ट ने 15 जुलाई 2013 को भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। 1 मार्च 2019 के ट्विटर व फेसबुक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पोस्ट किया था, एलडीसी भर्ती के बचे हुए पदों का नियुक्ति का वादा किया था, लेकिन आज तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो पोस्ट किए गए थे फेसबुक और ट्विटर पर, उनको भी यहां पर सभी आप देख सकते हैं के सामने अवगत कराया गया है कि इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्तर से अभ्यर्थियों को वादा मिला था कि जल्द से जल्द उनको यहाँ पर नियुक्तियाँ दी जाएंगी, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। दोस्तों, आगे चलते हैं खबर की ओर।
जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर आगे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि मामला किस प्रकार से इतना पेचीदा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हाई कोर्ट ने अधिकतम 15 बोनस अंक के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 30 अंक को सही माना था, इसके बावजूद अब तक नहीं हो पाई नियुक्ति। विवाद क्यों है दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक अभ्यर्थी 2013 में बोनस अंकों के खिलाफ जोधपुर हाई कोर्ट में चला गया। लार्जर बेंच ने 25 सितंबर 2013 को सेवा अनुभव में बोनस अंकों की अधिकतम सीमा 15 अंक निर्धारित कर दी। कोर्ट ने बोनस अंक ज़्यादा मानते हुए 10, 20, 30 के स्थान पर 5, 10, 15 दिए जाने का निर्णय किया गया। सरकार और बोनस अंक पाने वाले अभ्यर्थी हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध आप देख सकते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर 2016 को बोनस के 10, 20, 30 अंकों को सही मानकर नियुक्तियाँ देने के लिए आदेश दिए। दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से पुनः सरकार के पक्ष में फैसला आ गया था कि सरकार 10, 20, 30 अंक के आधार पर बोनस अंक देते हुए और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। और दोस्तों ये बात थी 29 नवंबर 2016 को, यानी कि भर्ती का रास्ता साफ हो चुका था और दोस्तों सरकार उस समय भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू करने और नियुक्ति प्रक्रियाएं जो शेष थी उनको आपके देने के लिए तैयार थी। यानी कि दोस्तों उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई यहाँ पर माननीय कोर्ट या अन्य किसी प्रकार का कोई रोक नहीं थी। आगे चलते हैं, 1600 अभ्यर्थियों को कैसे मिला पद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अभ्यर्थी हाई कोर्ट जयपुर चले गए। उन्होंने मांग रखी कि सभी पदों पर नियुक्तियां दी जाए। तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास पंचायती राज ने जो शासन सचिव सचिव वित्त विभाग शासन सचिव पंचायती राज विभाग द्वारा शेष पदों पर 15 जुलाई 2017 तक नियुक्ति देने का सहमति पत्र न्यायालय में दिया गया, लेकिन सरकार ने नियुक्तियां नहीं दी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर 15 जुलाई 2017 तक जो यहां पर इन विभिन्न शासन सचिव जो मान महोदय थे उनके माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जो भी जिस तरह से भी अपनी ओर से जो पत्र दिया गया था वहां पर, और शपथ पत्र में ये कहा था कि हम 15 जुलाई 2017 तक नियुक्ति प्रक्रिया कर देंगे। आगे चलते हैं, प्रदेश के 1600 आवेदक कोर्ट में चले गए और उन्होंने कोर्ट के आदेश के आधार पर नियुक्ति ले ली। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर शेष पदों पर आज तक नियुक्ति नहीं हुई। दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया था आरोप। 26 फरवरी 2019 को जारी सरकार के एक प्रेस नोट में कांग्रेस सरकार ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी जिला परिषदों द्वारा पहले जारी कट ऑफ सीमा तक की नियुक्ति प्रदान की गई, जिस कारण 1156 अभ्यर्थी ही कार्यभार ग्रहण कर सके। हैरानी यह है कि दोबारा सत्ता में आने के बाद भी सरकार नियुक्तियां नहीं दे रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं आप सभी अभ्यर्थियों की आवाज़ को यहां पर मुख्य रूप से बल दिया गया है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं सरकार को घेरा जा रहा है। कुल मिलाकर के आप सभी प्रतिभागियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रिंट मीडिया आपके साथ खड़ा है। आगे चलते हैं न्यूज की ओर दोस्तों, इस तरह समझिए पूरा मामला। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं प्रिंट मीडिया ने पूरा, आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, विश्लेषण करते हुए प्रत्येक तथ्य को ध्यान में रखते हुए और यहां पर सरकार को कटाक्ष किया है। आगे चलते हैं, 2012 में पिछली गहलोत सरकार ने की थी 19,515 पदों पर भर्ती की घोषणा। 2013 में भर्ती का विज्ञापन जारी किया, ऑनलाइन आवेदन लिए गए। आगे आप बात कर लेते हैं यहाँ पर 7,555 अभ्यर्थियों में के चयन के बाद कार्यग्रहण कर लिया। 2013 में एक अभ्यर्थी बोनस अंक के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने बोनस अंक की अधिकतम सीमा 15 अंक निर्धारित की। इसके बाद सरकार बोनस अंक पाने वाले अभ्यर्थी जो आप यहां पर देख सकते हैं, सरकार से बोनस अंक पाने वाले जो अभ्यर्थी थे जो विभिन्न संविदा कार्मिक और प्लेसमेंट यानी ठेकेदारों के थ्रू लगे हुए, वो यहां पर आप देख सकते हैं कि वो अभ्यर्थी यहां पर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 30 बोनस अंक को सही माना, उसके बाद अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए और सभी पदों पर नियुक्ति की मांग की। दोस्तों आप देख सकते हैं, और 2017 में जो आपके यहां पर पंचायती राज विभाग ने 15 जुलाई तक शेष पदों पर नियुक्ति देने का सहमति पत्र कोर्ट में दिया, लेकिन नियुक्तियां नहीं दी। 1600 आवेदक कोर्ट चले गए और नियुक्ति हासिल कर ली।
बाकी पदों पर आज तक नियुक्तियां नहीं हुई। दोस्तों आप देख सकते हैं, आगे बात कर लेते हैं, 2019 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शेष 10,029 पदों पर नियुक्तियों का भरोसा दिलाया, लेकिन आज तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली। दोस्तों कुल मिलाकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से अभ्यर्थियों की यहाँ पर व्यथा को यहाँ पर बल प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद 1 मार्च को मुख्यमंत्री ने घोषणा की, 5 मार्च 2019 को नियुक्ति के आदेश जारी हुए, लेकिन फिर वादा भूल गई सरकार। अभ्यर्थियों ने शनिवार को ट्विटर कैंपेन चलाकर 1.2 लाख ट्वीट करके नियुक्ति का वादा भी यहां पर माननीय मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री महोदय को टैग करते हुए याद दिलाया। अलवर के अभ्यर्थी प्रवीण मीना कहते हैं कि 1 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी, उस दौरान उन्होंने बाकी पदों पर नियुक्तियों का निर्णय ले लिया। उन्होंने ट्वीट भी कर दिया कि पंचायती राज विभाग की कनिष्ठ लिपिक भर्ती में शेष रहे 10,029 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का फैसला लिया गया है। 5 वर्ष जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, 5 मार्च 2019 को पंचायती राज विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया कि प्रतीक्षा सूची जारी कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। इसके बाद 11 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई। अभ्यर्थियों का आरोप है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने सचिन पायलट ने अपने वादे को यहां पर भुला दिया है, और मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर मिठाई भी खा ली थी, लेकिन 1 साल बाद भी उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, ये माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो ट्वीट यहाँ पर और फेसबुक पोस्ट किए गए थे अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द शुरू करने को लेकर के, वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि अभ्यर्थी बार बार मांग कर रहे हैं, और स्वयं मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय ने इस संदर्भ में वादा किया था अभ्यर्थियों से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जिस प्रकार से प्रिंट मीडिया आप सभी प्रतिभागियों के हक और समर्थन की लड़ाई को मजबूती के साथ सभी के सामने पेश कर रहा है, और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में आपके सामने आपके साथ खड़ा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं जल्दी आपका इस संदर्भ में कोई सकारात्मक खबर मिलती हुई दिखाई देगी। आगामी हर अपडेट के लिए, पंचायती राज एलडीसी भर्ती से जुड़ी हर अपडेट के लिए दोस्तों चैनल से जुड़े रहिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों आगामी पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इसी के पास में जो बेल आइकन है दोस्तों, आपके घंटा का निशान, इसे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रत्येक अपडेट का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में पहुंचकर मिलता रहे, और आप कोई भी अपडेट का नोटिफिकेशन मिस नहीं कर पाए। दोस्तों वीडियो और अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागियों तक अपडेट पहुँच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी अपडेट से मुखातिब होते हुए और इस मुद्दे को हाईलाइट किया जा सके, और सरकार तक एवं मीडिया की नज़रों में इस मुद्दे को फिर से बरकरार किया जा सके, जिससे कि आपको जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया का मार्ग खुले। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, एक नई वीडियो, नई अपडेट और नई ऊर्जा के साथ फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दोस्तों धन्यवाद।